बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम टू अलराज़ इस्लामिक स्कूल ऑनलाइन सिस्टम। दिस वीडियो इज़ ऑफ क्लास मैट्रिक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ पोयम नेम लिटिल थिंग्स। ऑल ऑफ यू ओपन द पेज नंबर 13। दिस पोयम इज़ रिटन बाय जूलिया कार्ने। There is a short description of herself. This poem is written by Julia Carney. She was an American verse writer. She was born in Boston in 1823 and died in 1908. Not much is known about her. This poem was first published in 1845. It is a simple children's song to explain that even little things are important. जूलिया कार्ने अमेरिका की रहने वाली थी। वो अमेरिका के शहर बोस्टन में पैदा हुई 1823 में और उनका इंतकाल हुआ 1908 में। उनकी टोटल एज इट मीन्स 85 थी। और उन्होंने बच्चों के लिए छोटी सी एक पोएम टाइप सॉन्ग कहा कि बच्चों के बताने के लिए कभी भी हम छोटी सी चीज़ को अनइम्पॉर्टेंट ना जानें, ठीक है। उस छोटी छोटी चीज़ों की भी कभी बहुत अहमियत होती है। द पोएम इज़ Little drops of water, little grains of sand make the mighty ocean and the pleasant land. Little deeds of kindness, little words of love make our world an Eden like the heaven above. जूलिया कार्ने कह रही हैं कि पानी के चाहे वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे कतरे हों या वो मट्टी के जर्रे हों, हमें उनको बिल्कुल भी अनइम्पॉर्टेंट जान नहीं जानना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से ही बड़े बड़े ओशंस और हमारे लैंड वगैरह बनते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ जमो के, ठीक है। और लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस का मकसद ये है कि हमें थोड़ा सा अपने दिल में सबके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए, रहम रखना चाहिए और लोगों से आपस में एक दूसरे के लिए अच्छे अल्फाज कहना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे सराउंडिंग्स का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, बिल्कुल जन्नत की तरह, ऐसी जन्नत जो इंशाल्लाह हमें ऊपर जाके मिलेगी। दिस इज़ द शॉर्ट पोएम्स ऑफ वी हैव फ्यू वर्ड मीनिंग्स ऑफ इट। कम टू द वर्ड मीनिंग्स। नंबर वन वर्ड मीनिंग इज ड्रॉप्स, कतरे। सेकंड इज ग्रेन्स, जर्रे। माइटी, ताकतवर। प्लेजेंट, ऐसे खुशगवार। एडन, जन्नत का बाग। हेवन, जन्नत। काइंडनेस, रहमदिली। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट क्लिप। टिल देन अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।